की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तय समय पर पलामू कोर्ट पहुंचकर 8 बजे कोर्ट से बाहर निकल गए। किसी भी मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब नहीं दिया। वे यहां एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट सतीश मुंडा की अदालत में पेश हुए थे। करीब 28 मिनट तक वे इस कोर्ट में उपस्थित रहे। इस मामले में वे 1.5 माह पहले जेल की सजा काट चुके। उनके 6,000 के निजी मुचलकों पर जमानत के साथ इस केस को खत्म कर दिया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2009 में गढ़वा के टाउन हॉल में चुनावी सभा के दौरान बिना इजाजत हेलीकॉप्टर को लैंड करा दिया गया था, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया था। लालू के वकील पप्पू सिंह ने कहा है कि आज लालू प्रसाद यादव जी पलामू के एमपी एमएलए के सतीश मुंडा जी के कोर्ट में उपस्थित हुए थे, जिन्हें 6,000 जुर्माना लगाकर बरी कर दिया गया और ये केस यहीं खत्म हो गया। लालू जी पेश हुए आज, आप उनके वकील हैं। जी हाँ। क्या रहा पूरा मामला, क्या कोर्ट ने कहा, क्या कुछ आज 2009 ईस्वी का यह केस था, आदर्श आचार संहिता का केस था, जिसमें लालू जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज कोर्ट में उपस्थित हुए थे, श्री एस के मुंडा साहब के कोर्ट में, और वहां पे जुर्माना की राशि को देकर केस से इनको मुक्त किया गया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने इनके सारी बातों को सुना और सारे बात को पिटिशन को देखते हुए सारे जो लॉ है, लॉ के अंतर्गत कोर्ट ने इनको फाइन लेकर और इनको मुक्त किया। कितना का फाइन हुआ? मात्र 6,000 रुपए का फाइन हुआ। केस मुक्त मतलब डिस्पोज हो गया, केस समाप्त, निष्पादित हो गया, आने की आवश्यकता उनकी नहीं है। ठीक है, मतलब केस खत्म, केस निष्पादित किया। चलिए ठीक है।